काय फोन? भाभी जितने का ये फोन है उतने में तो मैं बैंकॉक घूमा था। हाँ, देख सूजी के कपड़े, ये तो किसी गरीब की बेटी नहीं हो सकती पप्पू। देख तो रहा हूँ भाभी आइसक्रीम। चुप कर यहाँ देख। कृपया सर। भाभी, एक गरीब की बेटी के पर्स में इतने सारे पैसे? अरे इसका मतलब वो गरीब की नहीं अमीर की बेटी है। हैं? मैं रीता बोल रही हूँ। रीता बजाज। भाभी, इसका मतलब यही रीता बजाज है? हाँ, इसका मतलब इनाम हमें मिलेगा। पप्पू, तू जल्दी से इसकी बातें रिकॉर्ड कर। अच्छा सुन, मैं ना यहाँ पे झूठ बोलकर एक बेवकूफ बुढ़िया के घर पे छुप रही हूँ। हाय, ये लोग इतने बुद्धू हैं कि मेरी मेडअप कहानी पर भरोसा कर लिया है। अब देख तुम्हें क्या करती हूँ, जब तक पापा मेरी शादी साजिद कपूर के साथ तय नहीं करते ना, मैं घर नहीं आऊंगी। इसका मतलब ये हुआ, ये सीता नहीं रीता है। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर में करोड़ों का खजाना है। Oh, I am so happy. हाँ मम्मी जी, और मैं तो कहता हूँ उस पर नजर रखनी चाहिए, कहीं वो खतरनाक लड़की घर से ना भाग जाए। Just wait for one minute. What is that? What is that? What is that? पापा जी, 1 करोड़ रुपए का इनाम, इतने में तो मैं घूम लूंगी दुनिया तमाम, विद फुल ताम झाम, बिना किसी काम। ओ तेरी, पर ये सब भी अपना हिस्सा मांगेंगे। आइडिया, मैं ना बजाज की बेटी को पटा लेती हूँ तो उसका बाप खुश होकर सारे का सारा इनाम मुझे दे देगा। अब मैं जाके रीटा को अपने एक्टिंग स्किल्स से पटाऊंगा, उसके बाद मैं उसको मनाऊंगा और अपना चांद दिखाऊंगा, फिर वो अपने बाप के पास जाएगी और सारा इनाम मुझे ही दिलवाएगी। मैं सब समझती हूँ, ये मम्मी जी और पप्पू जैसे शातिर लोग ना मिलकर सब हड़पना चाहते हैं। चंदू, मैं अब भी जाता हूँ, उसे फ्रिज से बाहर निकाल कर छुपा देता हूँ। फ्रिज से निकाल कर? वो फ्रिज में है क्या? हाँ, बाहर रहेगी तो पिघल जाएगी ना। पर वो पिघल कैसे सकती है? अरे चंदू, वैनिला आइसक्रीम है, पिघल जाएगी ना। चिचोरे आदमी, पराई लड़की को वैनिला आइसक्रीम बुलाते हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, डंडा काय मेरा। अरे चंदू, क्या कर रही हो यार? मैं तो आइसक्रीम को ही आइसक्रीम कह रहा हूँ, से मम्मी जी और पप्पू मिलकर हड़पना चाहते हैं। ओहो मोहनदू प्रसाद, मैं तो उस लड़की की बात कर रही हूँ जिसके बाप से वो पैसा हड़पना चाहते हैं। क्या? हाँ, लेकिन उनकी चाल कामयाब होने से पहले हमें उसे पटाना होगा, ताकि वो अपने बाप से हमारी तारीफ करे और सारे पैसे हमें मिल जाएं। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरे बालों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। मेरे हाथों की घनघोर पिटाइयां आपके सर पर, मेरी बेपनाह जूतियां, मेरी लातें, मेरे घूंसे, मेरी गालियां, ये भी नहीं भूलेंगे आप जब तक है जान, जब तक है जान। और मेरे डंडों की पिटाइयां भी नहीं भूलेगा जब तक है जान, समझा? लड़की देखी नहीं कि शुरू हो गया, फटिया से मुझे अपनी बहन से बात करने दे। देखो मैं अपनी बहन के लिए क्या लेकर आई हूँ। आपकी बहन भी है यहाँ पे? है तो सही, मेरे सामने। क्या बात कर रहे, मुझे क्यों नहीं दिख रही? हाय पगली, तू मेरी बहन जैसी।
क्या लेकर आई हूँ? चिच्चे कपड़े। अरे रब्बा, ये क्या किया? उस पापी आ पीछे हट। पाप पाप गंगोर पाप है ये। अरे ये पाप नहीं, सूट है मम्मी जी। अब पर आंटी जी तो औरत है, सूट नहीं। अरे मेरी प्यारी बहन, मैं इन्हें नहीं इसे सूट कह रही हूँ। ये तो शूट करने लायक है। क्या बोली तू? मम्मी जी मैं कह रही थी मैं इसके लिए सूट लेकर आई हूँ। बस यही है घंघोर पाप। इतनी मासूम नाजुक सी कली, तेरे जैसा बहन जी टाइप सूट थोड़े पहनेगी। छी 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 छी, उधर फेंक इसे। पुत्र मैं ना तेरे लिए छोटी सी कटरीना कैफ जैसी फ्रॉक लेकर आऊंगी, वो जचेगी तेरे पे। उससे पहले तो अपनी मम्मी जी का बनाया हुआ स्वादिष्ट खाना खाएगी। आजा आजा मेरी बच्ची आजा। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर, अखियों की डोर है। कभी चांद लेके उड़ जाए रात, छुप जाए चोर है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होंठ जो खिले दिल खिला। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।